गुड इवनिंग क्लासेस, वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आई एम योर इंग्लिश मेंटर स्वाति। चलिए आज की हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन वोकैबुलरी क्लासेस। तो जब हम लाइफ में किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, उसके हिसाब से ही हम उससे बात करते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, या वो लोगों से बात करना नहीं पसंद करता, या बहुत ज़्यादा मिलनसार है, या उसको लोगों को लेकर क्या उसकी मानसिकता है, उसके बेस पर हम जज करते हैं। तो उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, उसकी क्या पर्सनैलिटी है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है ईगोइस्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईगोइस्ट? ईगोइस्ट का मीन्स होता है जो हमेशा अपने बारे में सोचे। वो देखता है जैसे ही हम, अगर हमसे कोई बोलता है कि जाओ आप ये काम कर दो, या मम्मी हमसे कई बार बोलती है कि जाओ बेटा मार्केट चले जाओ, ये सामान ले आओ, या स्टेशन चले जाओ बुआ को ले आओ, तो हम सोचते हैं इसमें मेरा क्या भला है, व्हाट इज़ फॉर मी इन इट। तो हमारे लिए क्या है, जब हमारे अंदर अपने लिए फीलिंग्स आ जाती है, जब हम सेल्फ सेंटर्ड होकर चीज़ों को देखते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का ही एक नया वर्ड, ईगोइस्ट को ही आप देख सकते हैं, एक वर्ड होता है ईगोसेंट्रिक, और इसी का सेकंड वर्ड होता है ईगोमैनिक। मैनिया मींस पागलपन, जैसे आपने सुना होगा मैनिया मींस होता है पागल। तो जब हम पूरी यूनिवर्स को अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हमें दूसरा कोई पर्सन नहीं दिखता है, कि हमारे लिए उसका कुछ भी भला हो रहा है या बुरा हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं, सिर्फ हम अपने लिए सोचते हैं, तब हम कहलाते हैं ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक जो होता है वो ईगोइस्ट का एकदम हाइट होता है, एकदम एक्सट्रीम वर्जन होता है। और जो ईगोमैनिक होता है ये मॉर्बिड ऑब्सेशन। मॉर्बिड ऑब्सेशन मीन्स किसी चीज़ की आपको लत लग जाना, जिसको ये होता है आपका, जैसे ईगोटिस्ट है आपका, मैंने पेन तो चूज किया था, तो ईगोसेंट्रिक मीन्स होता है जिस जो अपने पूरी यूनिवर्स को अपने तक रखता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जो ईगोइस्ट पर्सन होते हैं ये एबनॉक्शियस पर्सन होते हैं, ये बुरे पर्सन होते हैं, बैड पर्सन होते हैं। लेकिन जो ईगोसेंट्रिक होते हैं ये इनटॉलरेबल होते हैं, आप इनको टॉलरेट नहीं कर सकते हो, आपके लिए इनका जो व्यवहार होता है, इनका जो बिहेवियर होता है वो टॉलरेबल नहीं होता। और जो ईगोमैनिक होते हैं ये मॉर्बिड ऑब्सेशन होते हैं, स्लाइटली मैड आप इनको कह सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईगोटिस्ट। What is the meaning of egotist? Egotist क्या होते हैं? Egotist में आपने देखा होगा कि एक टी एक्स्ट्रा लग रहा है, तो what is the meaning of एक टी? जो एक्स्ट्रा टी है उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो सेंटेंस को। टॉक, egotist means होता है टॉक, जो सिर्फ अपने बारे में, जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, कंसीट होते हैं, हाइट ऑफ कंसीट आप जिसको कह सकते हैं, बोस्टफुल होना, सिर्फ अपने अचीवमेंट्स की बात करते हैं कि हमने ये खरीद लिया, हमने फॉर्चुनर गाड़ी खरीद ली है, हमने यहाँ पे घर खरीद लिया, हमारे बच्चों ने ये अचीव कर लिया, सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, कंसीटेड पर्सन होते हैं, उनको बोलते हैं ईगोटिस्ट, सिर्फ अपने बारे में ही ये बात करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट मीन्स, ऑल्ट्रुइस्ट है जो, ये लैटिन वर्ड ऑल्टर से बना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल्टर? ऑल्टर होता है, ऑल्टर मीन्स अदर। जैसे आपने सुना होगा हमारी क्लासेस ऑल्टरनेट चलेंगी, ऑल्टरनेटिव है इस चीज़ का, क्या ऑल्टरनेट है, या इस टाइप से आपने और भी वर्ड सुने होंगे, इस क्वेश्चन का कोई अदर ऑल्टरनेट मिल सकता है क्या? तो ऑल्टर मीन्स होता है अदर। यहाँ पर आपका वर्ड लिखा ऑल्ट्रुइज्म, जो अदर लोगों के बारे में सोचता है, जो दूसरे लोगों के बारे में सोचता है, बेनिफिट्स ऑफ अदर, वो परोपकार की भावना जब उसके अंदर आती है कि हम दूसरों का क्या भला कर सकते हैं, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो क्या बोल सकते हैं? बेनिफिट्स ऑफ अदर, दूसरों का इससे क्या भला हो सकता है। इसी का एक सेम वर्ड होता है जिसका रूट वर्ड होता है फिले। फिले मीन्स होता है टू लव, किसी को प्यार करना। मानव जाति से अगर कोई प्यार करता है तो उसको बोलते हैं परोपकारी। तो मानव जाति के लिए आपका एक वर्ड होता है एंथ्रोप, और जब हम इस वर्ड को कंबाइन करते हैं तो बनता है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मींस ऑल्ट्रुइस्ट होता है, परोपकारी होता है, डू गुडर, जो लोगों के साथ अच्छा करता है, लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, अपने से ज़्यादा दूसरों को ऊपर रखता है, उनको बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ऑल्ट्रुइस्ट? इज फिलेंथ्रोपिस्ट, जो लोगों के बारे में, मानव जाति के बारे में अच्छा सोचता है, उनके लिए सोचता है, उनके वेल विशर होते हैं, उनको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रोवर्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रो? इंट्रो का मतलब क्या होता है? इंट्रो का मीन्स होता है इंटरनल से बना है ये वर्ड।
वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल? आपने पढ़ा होगा आपके मोबाइल में जो चिप लगती है उसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, एक होती है और एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। तो इंटरनल मतलब जो अंदर होती है, इनबिल्ट होती है। तो वैसे ही पर्सन होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं जो बहुत शाई होते हैं नेचर वाइज, अपने में ही अपने में ही रिजर्व रहते हैं। आप एक तरह से कह सकते हो अपने में रिजर्व रहना एक शाई नेचर का होता है, जल्दी लोगों से घुल मिल नहीं पाते हो, उनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रो मीन्स ही होता अंदर, जिनका मुंह अंदर की तरफ हो, मतलब जो लोगों से, जैसे किसी से कोई मिलने रिश्तेदार आते हैं या नोन आते हैं तो जल्दी अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाते हैं ना, उनको हेजिटेशन होती है। कई बार लोग बोल देते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बट उनके अंदर ईगो नहीं होता है, वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रिजर्व होते हैं, उनको जल्दी लोगों से क्लोज होने में, बात करने में हेजिटेशन होती है, वो रिजर्व पर्सन होते हैं, उनको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है आपका एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वर्ड कहाँ से बना है? जैसे मेमोरी कार्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल होता है वो। एक्सटर्नल मतलब हमने मेमोरी कार्ड को अंदर से तो लगाया नहीं, उसको एक्सटर्नली लगाया। एक्सटर्नली मतलब बाहर से, एक्सटर्नल मीन्स बाहर, तो एक्सटर्नल मीन्स हो जाएगा बाहरी। जो पर्सन लोग बाहरी लोगों से बहुत जल्दी इजीली मिल जाता है, ग्रिगेरियस होता है, पीपल पर्सन आप जिसको कह सकते हो, लोगों से मिलना जुलना, उससे बातें करना, उनको कन्विंस करना, उसको बहुत इजीली हो जाता है उसके लिए, कि कोई भी अननोन नंबर से बात कर सकता है, अननोन पर्सन से बहुत इजीली बात कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, जो हम लोग होते हैं, क्या हम लोग हर किसी पर्सन से बहुत इजीली घुल मिल जाते हैं? नहीं, ना ही बहुत जल्दी इजीली घुल मिल जाते हैं, और ना ही ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा शांत रहे। हम लोग मेनली क्या होते हैं? एम्बीवर्ट होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बी? एम्बी मीन्स होता है बोथ नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अगर हम बात करें यहाँ पर पर्सन के टाइप की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऐसे पर्सन जो इंट्रोवर्ट भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, उनको बोलते हैं एम्बीवर्ट। मीन्स जब उनको अपने फ्रेंड्स या फैमिली मिलती है तब तो वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और जब उनको अननोन पर्सन मिलते हैं तब वो कैसे हो जाते हैं? तब वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो जो इंट्रोवर्ट हुए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के आगे, और जब वो अननोन लोगों के सामने मिलते हैं जाके, तो वो कैसे हो जाते हैं? तब वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो उनको बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बी मीन्स होता है बोथ। जैसे आपने पढ़ा होगा एम्फीवियन, ऐसे एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा लोग बातें करते हैं और उनकी बातें क्लियर नहीं होती, आपको समझ में नहीं आता उनके कहने का मीनिंग क्या है। वो आपको काम करने के लिए हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं। सपोज करिए, जैसे आपका मन है कि हम एमबीए कर लें, आपने किसी से सजेशन लेने जाते हो, सलाह लेते हो कि भाई मेरा एमबीए करने का मन है, हम इस कॉलेज से एमबीए कर लें, तो वो बोलते हैं हाँ कर लो, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ से प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। फिर थोड़ी बात बोलते हैं यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टीचर्स नहीं अच्छे हैं। तो आपको डाउट हो जाएगा ये हमें हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं। उन्होंने दोनों तरह की बातें कर ली, पॉजिटिव बात भी और निगेटिव बात भी, तो उनकी बातें कैसी हो गई? एम्बिगस बातें हो गई। तो ये हमारा एम्बी जो है आपका रूट वर्ड हो जाता है। इससे आगे जाके और भी वर्ड्स देखेंगे जो आपके आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारा है मिस एंथ्रोपिस। अभी आपने पढ़ा एंथ्रोपो मतलब क्या होता है? ह्यूमन काइंड, मानव जाति। तो मानव जाति के लिए आपने एक वर्ड यहाँ पर पढ़ा है फिलेंथ्रोपिस्ट। इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा मिस एंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस, फिले मीन्स टू लव, एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन काइंड, मीन्स जो मानव जाति से प्यार करे, उनकी भलाई के बारे में सोचे। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है मिस प्लस एंथ्रोप। मिस मीन्स बुरा, टू हेट समवन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू हेट ह्यूमन काइंड, जो मानव जाति से नफरत करे। कुछ लोग होते हैं ना, खुद मानव होकर भी लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं कि इंसान ऐसा है, इंसान वैसा है, इंसान का इंसानियत से ही कोई नाता नहीं है। तो उसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा? मिस एंथ्रोपिस्ट, जो ऐसे इंसान जो मानव जाति से ही नफरत करते हैं, द पर्सन हु हेट ह्यूमन काइंड, उनको हम क्या बोलेंगे? मिस एंथ्रोपिस्ट, लोगों से ही नफरत करने वाला। सेम वर्ड है मीजोगाइनिस्ट। मिस मेज फिर हो जाएगा हेट, और गाइनी मीन्स आपने हॉस्पिटल में क्लिनिक में कई बार पढ़ा होगा जहाँ पे चैम्बर्स लिखे होते हैं ना, पेडियाट्रिशियन है तो बच्चों का डॉक्टर है, गाइनकोलॉजिस्ट है तो लेडीज़ स्पेशल डॉक्टर है। गाइनी मीन्स होता है लेडीज़, विमेन। तो टू हेट विमेन
नारी जाति से नफरत करते हैं कि लेडीज़ की बात नहीं सुननी चाहिए, लेडीज़ ऐसी होती, लेडीज़ वैसी होती हैं, जो उनके बारे में नफरत करे, जो उनको पसंद नहीं करता है, उनको क्या बोलते हैं, मीज़ोगाइनिस्ट। IST जिस भी वर्ड के अंत में लग जाता है, जिस वर्ड के लास्ट में, उसका मतलब होता है नाउन। मीज़ोगाइनिस्ट मीन्स जो पर्सन, ऐसे पर्सन जो लेडीज से, विमेन से नफरत करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मीज़ोगाइनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आते हैं, फिर से हमारा सेम रूट है, मिस, मिस मीन्स टू हेट। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है गैमोज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैमोज? गैमो का मतलब होता है शादी, मैरिज। द पर्सन हु हेट मैरिज और मैरिज टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो पर्सन शादी करने या फिर कोई दूसरा पर्सन भी अगर शादी करता है, उससे नफरत करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीज़ोगेमिस्ट। IST लगा है, मीन्स हमारा ये नाउन हो जाता है, और IST, मीज़ोगेमिस्ट मीन्स टू हेट मैरिज और मैरिज टाइप इंस्टीट्यूशन। अब हमारे हर तरह की पर्सनैलिटी को तो हमने इंक्लूड कर लिया, जब सारी टाइप की पर्सनैलिटी इंक्लूड हो गई, ईगोइस्ट हो गया, फिर देन ईगोटिस्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईगोटिस्ट? ईगोटिस्ट होता है जो हमेशा अपने बारे में बात करता है, अपने अचीवमेंट की। ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट इज द सिनोनिम ऑफ फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? परोपकारी होते हैं, बेनिफेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट, जो लोगों से बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, रिजर्व रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट, पीपल पर्सन, जो लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे लास्ट में हमारा वर्ड आता है एस्केटिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्केटिक? एस्केटिक मीन्स होता है सैक क्लॉथ, या आप जिससे कह सकते हैं, जिसको लश्चर वाली लाइफ पसंद नहीं होती है, जिसको सांसारिक विलासिता की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो हर्मिट बन जाता है। ज़रूरी नहीं हर्मिट का मीन्स हो कि वो ऑरेंज कलर के ड्रेस पहने, साधु संन्यासी बन के रहे। उसके अलावा भी होते हैं, जिसने सारी संसार की सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, उसको बोलते हैं मॉन्क बोल सकते हैं आप, और पीनेंस बोल सकते हैं। इसका मीन्स क्या होता है, जिसने भी जितनी भी लश्चरफुल लाइफ होती हो, उसका क्लास, उसका त्याग कर दिया, उसको बोलते हैं आपका एस्केटिक। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।